बैक टू माई न्यू ब्लॉग ज्योति बजबाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक ही होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, आप लोग की कैसी चल रही है दिवाली की तैयारी और दिवाली की साफ़ सफाई? तो मेरी तो नवरात्रि में पेंट हो ही गया था, आप लोग को पता ही है, ब्लॉग में देखा होगा। तो पेंट वेंट तो सब हो गया है और ये जो पर्दे वर्दे हैं वो भी सब धो लिए, लेकिन छोटे मोटे जो घर के काम होते हैं ना, जो दिखते नहीं हैं, वो वाले काम अभी भी बहुत बचे हुए हैं। जैसे कि फ्रिज साफ़ करना है, थोड़ा सा डस्टिंग वस्टिंग रहती है वो भी साफ़ करना है, ग्रीले साफ़ करनी है, और थोड़ा एक बार और जाले, थोड़ा वैसे तो जाले हो नहीं रहे, फिर भी एक बार मुझे लगता है कि दिवाली से एक दो दिन पहले कर लूँ मैं ये चीज़ें ना। और बच्चे का ये है, ये देखो मोनी वहाँ पर अपना टैब देख रही है, ये गोलू अपना टीवी देख रहा है। तो कुछ मैं परसों शॉपिंग करके लाई थी मार्केट से दिवाली की, तो वो मैं आप लोग को आज दिखाऊंगी। तो कल लोग, मैंने सोचा कल बनाऊंगी ब्लॉग, तो कल लोग कुछ मेरे गेस्ट लोग आ गए थे तो उन्हीं को, और आज मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, एक काम करवाया मैंने, तो वो चीज़ मैं आप लोग को जरूर दिखाऊंगी। आप लोगों ने भी करा होगा वो काम है। तो बोलो हाय, बोलो है, तुम नहीं बोलोगी? बोलो ना, हाय बोलो, यहाँ देखो जल्दी, कह रही है मैं नहीं बोलूंगी बस। तो गाइज मैंने ना यहाँ पे ये लेयर ली हुई है इसकी, पेड़ की वो कली टाइप की, ये पूरे पेड़ इसमें शीशे में ऐसा लगाया हुआ है देखो। और हाँ, मैंने शायद आप लोग को अपना घर भी नहीं दिखाया कि जब पेंट होने के बाद आपको घर नहीं दिखाया ना, तो मैं पक्का दिखाऊंगी आपको इसी ब्लॉग में। तो पहले मैं आज आपको लोग को ये दिखा देती हूँ कि आज मैंने जो काम करवाया है वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो चलो चलते हैं। तो चलो गाइस, वो काम है मेरा बालकनी पे, और ये देखिए गाइस मैंने लाइटें लगवा दी हैं, पूरी लाइटें। आ जाओ गोलू बाहर आ जाओ, ये देखो बाहर से ज़्यादा अच्छा लगता अगर देखते ना तो। मैं चलो मैं बाहर से भी दिखाती हूँ आपको। तो गाइस ये है देखो, बाहर से बाहर की जो बालकनी है ना वो ऐसे दिख रही है। हाँ गोलू आवाज भी लगा रहा है। ये यार सुबह ही मैंने काम करवाया है, तो कैसा लगा आप लोग को बताना कमेंट बॉक्स पे। और हमारी सोसाइटी देखो कितनी चमक रही है, दिवाली का टाइम हमारा तो चमकेगी ही। ये देख लो पूरी लाइटें लाइटें हो रही हैं। हाँ अम्मा, हमारी बिल्डिंग में बस दो जनों ने लगाई, देखो एक ऊपर एक हमने, और यहाँ पे ये वाली बिल्डिंग में चार लोगों ने लगाई है, नहीं पांच, ये दीदी लोग ने भी जलाई नहीं है। तो चलो चलते हैं अंदर की ओर। सो गाइस हम आ गए हैं अंदर। मैंने ना यहाँ से लॉक करा हुआ है, तो आगे के रास्ते गई थी मैं बाहर से दिखाने के लिए आप लोग को। तो ये हमारे बेड, ये कंबल भी निकल गए हैं। हाँ क्या? तो चलो गाइस थोड़ा सा मैं आप लोग को ना पेंट के बाद का अपना घर दिखा देती हूँ, कैसे मैंने डेकोरेट करा हुआ है जैसा भी है, मतलब दिखा देती हूँ आप लोग को। तो ये देखिए गाइस, ये पूरा सोफे वोफे लगा रखे हैं यहाँ पे। अब भी मैंने दिवाली का टाइम आ रहा तो मैंने इस टाइप से कर दिया इसको। यहाँ पर आप लोग को टीवी तो पता ही है, ये थोड़ा सा डेकोरेट करा हुआ है। ये भी, ये कोई बोला था मेरे से, मतलब इसको ना पूरी ऐसे लेयर करके, क्योंकि हमारे घर में मैंने ऐसे ही इसको करा हुआ है, क्योंकि हमारे घर में गोलू है ना, तो इसको ऐसे खींचते रहेगा तो ख़राब कर देगा, तो इसलिए मैंने ऊपर तक का ही लगाया है, नीचे तक का नहीं करी है इसको ना, यहाँ से नीचे तक का नहीं करी हुई है। और देखो देखो किरीम हिरीम के हाथ ऐसे मारते रहते हैं, शीशा परसों ही साफ करा फिर से गंदा कर रखा है इसने। ये शैतान सा बच्चा हमारे यहाँ है, ये शैतान सा बच्चा है हमारे यहाँ। हाँ बाल का है, बाल का है तुम्हारे, ये आगे बाल गंदू कहेगा, टागलू कहेगा। तो यहाँ पे ना मैं कुछ लगाने की सोच रही, फिर मैंने कहा चलो फोटो है तो फोटो ही लगा लेती हूँ, अगर जाऊंगी तो मैं लेकर भी आऊंगी वो चीज जो मैं कह रही थी यहाँ पे। तो ये वाली फोटोज मैंने यहाँ पे लगा दी है, ये हमारी दिवाली की फोटो है, ये जब हम गोलू मेरा हुआ था तब हम उसको घर ले गए थे तब की फोटो है,
ये नानी की इसकी है, ये मेरी नैनीताल की फोटो है। ड्राइंग रूम तो आप लोगों ने देख लिया होगा, अब ये आया बेडरूम। बेडरूम में मैंने ऐसी फ़ोटोज़ लगाई हैं अपनी। आप लोग को कैसा लगा ये लुक? इसमें मैंने पहले अलग से था, अब ये इस टाइप का लुक बना दिया है। तो वो वाली तो हमारी शादी की है, ये हमारी रिसेप्शन की है गाइस। इसके बाद ये दो बच्चों के साथ की है। सिंपली वो करा हुआ है मैंने। अब आ जाता हम ये वाले कमरे, इसमें एक अलमारी रखी हुई है और एक बेड लगा हुआ है बस। इसमें दो ये लगाए हुए, अब मैंने यहाँ लगवा दिए ये, क्योंकि ड्राइंग रूम में लगे थे तो मैंने इसको बेडरूम में ही लगवा दिया। एक बेडरूम ये है, चलो। और बालकनी तो आपने देखी है, ये वाला कमरा तो ऐसे स्टोर रूम है गाइस। तो ये हैं कुछ दिवाली के सामान जो मैंने लेकर आई हूँ। लेकर तो एक ये आई हूँ अभी, और ये तो पुराने ही सामान है। ये पिछले साल का है, ये अब भी लेकर आया कुछ टाइम पहले, एक आधे महीने पहले लेकर आए इसके पापा की, महंगे हो जाते हैं इसीलिए। और ये हमारा मंदिर है, ये दोनों मंदिर डेकोरेट करे हुए हैं मैंने। नीचे भी भगवान जी रखे हुए हैं, ऊपर भी हैं, तो मैं दोनों मंदिरों में पूजा करती हूँ। ये हमारी पुरानी टीवी रखी हुई है ऐसी। चलो 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 चलो, आ जाओ गोलू। तो गाइस किचन में तो अभी कुछ ऐसा कुछ मैंने कुछ कराया नहीं है, किचन तो सिंपल ही है हमारा। तो गाइस आप लोग को कैसा लगा हमारा घर पेंट कराने के बाद तो बताना। और मैं अभी सोफे के कवर भी लेकर आई थी परसों मंडे मार्केट से, तो वो भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। हाँ ये देखिए गाइस, ये तो टेबल कवर है और इस टाइप के कवर हैं सोफे के। तो ये तो अभी जब मैं लगवाऊंगी, अभी ना ये पूरा वो है, इसमें कट कट के नहीं आया है, तो जब काटूंगी ना मैं, कट करूंगी सोफे के हिसाब से कट करूंगी। तो जाओ, हमारे यहाँ मच्छर ज़्यादा हो रहे हैं ना, तो दरवाजों को जितना हो सके उतना बंद करके ही रख रहे हैं हम लोग। तो अब खाना बनाने की तैयारी है। शॉपिंग तो ऐसी है, तो अभी दिए ये लेकर आने, वो अब ये वाले लास्ट फ्राइडे को मार्केट है ना, तो उस दिन लेकर आएंगे दिए। और भी छोटे मोटे सामान हैं, फल फ्रूट, वो 12 तारीख की दिवाली है, 11 है 12 की ऐसी दिवाली है। तो ये थी मेरी छोटी सी तैयारी, आप लोग को कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक या कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय बाय गाइस। ख्याल रखिए अपना। आप लोग की कैसी शॉपिंग हुई दिवाली की, आप लोग भी कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय बाय गाइस।